नमस्कार, मैं आपके साथ मनीषा और आप देख रहे हैं द उरई न्यूज। इस वक्त की उरई जालौन से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जालौन के कदोरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध गांजे से भरे एक कंटेनर ट्रक को पकड़ा। ट्रक से पुलिस ने 3 क्विंटल 2 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया, साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जालौन के कदोरा थाना क्षेत्र के चतेला तिराहा हमीरपुर हाईवे पर पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली, तो ट्रक में भारी मात्रा में अवैध गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया और ट्रक से अवैध गांजे को बाहर निकाला। ट्रक में 3 क्विंटल 2 किलो गांजा प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक चालक सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि वह उड़ीसा से ये गांजा की खेप बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों में खपाने के लिए लाए थे। खुलासा करते हुए एएसपी असीम चौधरी ने बताया कि पकड़े गए इस अवैध गांजे की मार्केट में कीमत करीब 35 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, एसआई दामोदर सिंह, एसआई सचिन शुक्ला, लोकेश, विपिन द्विवेदी, अंकित, शैलेंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथियों, जनपद जालौन पुलिस का जो अभियान चल रहा था अपराध व अपराधियों के खिलाफ, उसमें कल कदौरा पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली। कदौरा इंस्पेक्टर को सूचना मिल रही थी कि एक कंटेनर में काफी मात्रा में गांजा सप्लाई के लिए जा रहा। इस सूचना पर कदौरा इंस्पेक्टर ने जाल बिछा, उस कंटेनर को इंटरसेप्ट किया, उसमें जो ड्राइवर और हेल्पर था उनको गिरफ्तार किया। कंटेनर की तलाशी लेने के बाद उस कंटेनर में से 3 क्विंटल 2 किलोग्राम गांजा, अवैध गांजा बरामद हुआ। इतनी बड़ी बरामदगी जिले में बहुत दिनों बाद हुई है। पूछताछ पर पता चला कि ये जो गांजा था इसको उड़ीसा से ले जाकर बुंदेलखंड में खपाने के लिए जा रहा था। कदौरा पुलिस ने रास्ते में इसको इंटरसेप्ट किया, जितना माल था पूरा बरामद किया। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है, उनसे इंटरोगेशन करके पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा जो ये उड़ीसा से लेकर और बाकी अन्य भारत के अन्य शहरों में जा रहा है, वो पूरा गांजे का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाएगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है सबको गिरफ्तार करके और उनको कानून के सामने पेश किया जाएगा। आगे इनके खिलाफ और भी कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी कीमत का गांजा होगा जो